नंदी दीदी, आप कलेक्टर साहब कैसी हो? सुमन ठीक हूँ। रघु यहाँ आओ। तुम ललिता, तुलसी, माया, रागिनी, कमली और तारा को जानते हो ना? हाँ। जाओ उन्हें बुला कर ले आओ और बोलो कि आनंदी जी बुला रही हैं। नहीं पंगा, आप दोनों हमारे घर? घणी खम्मा कलेक्टर साहब, घणी खम्मा सरपंच बिटिया, घणी खम्मा काका, घणी खम्मा, घणी खम्मा। आपने इन छोरियों को बुलाया, कुछ काम था आनंदी बिटिया? जी हाँ, मैं और कलेक्टर साहब इन सभी लड़कियों को न्योता देने आए हैं। आज मेरी मेहंदी है और हम चाहते हैं कि गांव की हर वो औरत, हर वो लड़की मेरी मेहंदी में शामिल हो, जिससे समाज ने और उनके अपने परिवारों ने तलाकशुदा और विधवा का नाम देकर बाकी सबसे अलग कर रखा है। जबकि इसमें उन सब की तो कोई गलती नहीं ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ ये सभी लड़कियाँ मेरी मेहंदी में आए और अपने सूने हाथों पर मेहंदी रचाएं। ये आप क्या कह रही है सरपंच बिटिया? विधवा और पति की छोड़ी हुई लुगाइयों के हाथों में मेहंदी? हाँ काका, यही चाहती हूँ मैं। कि हर उस लड़की के हाथों में मेहंदी की लाली दिखाई दे, जिनसे समाज ने, पीढ़ियों ने, रीति रिवाजों ने इस खुशी का अधिकार छीन लिया। इन सबके हाथों में मेहंदी लगेगी, उसके बाद ही आपकी आनंदी इस सरपंच बिटिया के हाथों में लगेगी मेहंदी। तो क्या आप तुम पुराने रीति रिवाजों को ललकारोगी सरपंच बिटिया? अपने जैत सर की उन्नति के लिए किया संघर्ष मेरा अधूरा रह जाएगा काका। अगर इतनी कोशिशों के बाद भी यहाँ के लोग ऐसी रूढ़ीवादी परंपराओं में जकड़े रहेंगे तो मैं किसी भी परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैंने परंपराओं को अपने जीवन में भी बहुत महत्व दिया है, सम्मान किया है उनका। पर कुछ पुराने विचारों के नाम पर औरतों को मेहंदी लगाने जैसी छोटी सी खुशी के लिए भी तरसाना तो अन्याय है ना? देखिए, शादी, ब्याह और त्योहार, इसकी खुशी इंसान सिर्फ तभी मना सकता है जब वो मन से खुश हो। और मैं और आनंदी जी तब तक खुश नहीं होंगे जब तक गांव की हर लड़की अपने पूरे अधिकार के साथ हमारी खुशी में शामिल ना हो। आप लोग बड़े हैं और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि गांव की हर तलाकशुदा, हर विधवा लड़की इस रस्म में शामिल हो। आप लोगों को उन्हें मनाना होगा और आज शाम को आनंदी जी के घर भेजना होगा। इंतजार करूंगी मैं, देखती हूँ कौन कौन मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आता है। रागिनी, उन सभी औरतों और लड़कियों को ये बता देना जो इस समय यहाँ नहीं आ पाए कि आनंदी दीदी और कलेक्टर साहब खुद आए थे न्योता देने और सबको आज शाम को आना है मेरे घर। चलती हूँ।
भेंट की सारी चीजें आगे भरोसा सबके लिए, कोई भी बाकी ना रहे। इससे पहले भी चार बार ये लिस्ट चेक कर चुका हूं मैं खजानसा, लेकिन क्या करें, लड़की का मामला है ना तो खटका लगा रहता है कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो। माकन, इधर आ। जी हुकुम। क्या ये? तेरे फूल तो अभी से ढीले पड़ने लग गए, हाँ? ठीक कर इसे। और सुन, वहां भी लगेंगी फूल मालाएं, समझ गया ना? हो जाएगा हुकुम। अरे हो जाएगा, लेकिन कब? जल्दी कर। जी। नीले कपड़े से ढक देते हैं मेहंदी, नहीं तो सूख जाएगी। बड़ी हो है। को बाहर तक छोड़ने भेजो तो तने, क्योंकि उसे घर तक पहुंचाया आई जो इतनी देर लगा दी। नहीं नहीं दादी सर, मैं और कलेक्टर साहब तो गांव में सभी को मेहंदी में आने का न्योता देने गए थे। ए, पर न्योता तो पहले ही भेज दियो हमने। हम उन लोगों को बुलाने गए थे जिन्हें हमारे घर से न्योता नहीं गया। छोरी एक ऐसो ना बचा है, सबको न्योता भेज दिया हमने। दादी सा, जिन लड़कियों के साथ ईश्वर ने नाइंसाफी की है, जिनके माथे का सिंदूर उनसे छिन गया, जो अपने हाथों में कभी मेहंदी नहीं रचा पाएंगी, इस समाज ने जिनसे दूसरों की खुशी में शामिल होने का अधिकार तक छीन लिया, हम उन लड़कियों को न्योता देने गए थे। वो तो ना आवेंगी छोरी, वो तो यही माने कि मेहंदी लगाना सुहागन कोई नसीब होवे। पर दादी सा, ये रस्में तो खुशियों के लिए होती है ना, और मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी में हमारे गांव की हर एक औरत, हर एक लड़की शामिल हो। सबके हाथों में मेहंदी लगाई जाए, हमारा पूरा गांव खुशी से झूमेगा, मेरी खुशी भी तो कितनी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं सबसे कह आई मेहंदी में आने के लिए। आनंदी ने ठीक किया मासी। हाँ ठीक कह बे, पर इसकी बात माने वो कौन? परसों पुरानी सोच है, इतनी आसानी से थोड़ी बदल जाएगी। माने तो बहुत खुशी हो अगर थारे मन की हो जावे, पर ना हो देख लीजो, कोई भी दुबा बींद की छोड़ी कोई भी लुगाई ना आवेगी इस रसम में। हाँ अरे किसी में इतनी हिम्मत ही ना है कि अपनी जात बिरादरी की अनदेखी कर। मेहंदी में आके अपने को, अपने परिवार को मुसीबत में कौन डाले को छोरी बोल। गॉड, ये शादी हो रही है या कोई तमाशा? भैया मैं यहाँ पर आपकी शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ, किसी सोशल सर्विस के इवेंट पर नहीं। डिवोर्सीज और वीडियोस को मेहंदी लगाने के लिए आप लोग को यही मौका मिला था क्या? इट्स रिडिकुलस। मैं आज ही अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके कोई बहाना बना दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो लोग शादी पर यहाँ आए, मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है ये। बेटा तुझे तो नाज होना चाहिए इस बात पर कि तेरा भाई आनंदी जैसी लड़की से शादी करने जा रहा है। जिसकी इतनी अच्छी सोच है, जिसकी इतने ऊंचे विचार है। बिल्कुल, अपनी खुशी तो हर कोई चाहता है,
लेकिन अपनी खुशी में दूसरों की खुशी चाहना वही असली बड़प्पन है। शिव और आनंदी के फैसले में मैं इनके साथ। बड़ी मासी जी ने दिए शिव और आनंदी के लिए बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ। बहुत सुंदर ऐसी लॉकेट बड़ी मासी जी ने। चक्या और आनंदी को भी दिए थे। पता है मुझे, आपको याद है इलाज के लिए जाने से पहले बड़ी मासी जी ने वो लॉकेट चक्या से ले लिया था और आनंदी को दिया था संभाल कर रखने के लिए। आनंदी बेटा, इसे अपने पास रख। बेटा इसे संभाल कर रखना, ये जगिया का है, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तू इसे लौटाएगी। जब उन्हें पता चला कि चकिया ने क्या किया है और जब मैंने उन्हें शिव और आनंदी के रिश्ते के बारे में बताया तो उनकी रही सही उम्मीद भी टूट गई। पूरी रात रोती रही। पर फिर जल्दी ही ये भी समझ गई कि शायद आनंदी की भलाई इसी में है और खुशी से स्वीकार कर लिया उन्होंने इस रिश्ते को। ये लॉकेट बनवाए और कहा कि आनंदी से कहना मन पर जीवन पर जो पुराना भार है उसे अपने से अलग कर दे और इस नए लॉकेट के साथ नया जीवन शुरू करे। बड़ी मासी जी भी हम सभी की तरह सिर्फ आनंदी की खुशी चाहती हैं। बहुत प्यार करती हैं बड़ी मासी जी आनंदी से। और क्यों ना करें, लाखों में एक है हमारी आनंदी। अब देखिए ना, मेहंदी की रस्म में गांव की विधवा लड़कियों को बुलाया है उसने। उसकी यही छोटी छोटी बातें मन को बहुत खुशी देती हैं और साथ ही गर्व से सर ऊंचा कर देती है। काश हम आनंदी के साथ कुछ दिन और बिता पाते। मैं भी यही सोच रहा हूँ सुमित्रा के, लेकिन मन पता नहीं एक अजीब सी दुविधा में, समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं खुश हूं या दुखी हूं। इस बात की तसल्ली है कि आनंदी अपना एक नया जीवन शुरू करेगी, लेकिन इस बात का दुख भी है कि वो चली जाएगी यहां से, हम सब से बहुत दूर अपने ससुराल। ये सोचकर ही मानो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर से किसी ने पूरी शक्ति छीन ली। बहुत
बहुत अधूरा सा हो जाएगा सुमित्रा आनंदी के बिना। एक बात कह सकती हूँ, यहाँ के बाद आनंदी अपने सासरे चली जाएगी। उन सबकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहे। और अब तो जग्या ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, प्रायश्चित कर रहा है। उसकी सजा पूरी हो जाने के बाद घर ला सकते हैं उसे। जीवन की मुश्किल घड़ी में उसे हमारे साथ और प्यार की जरूरत है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आनंदी के साथ साथ जग्या को भी नया जीवन शुरू करने का एक मौका दे। हम लोग तेरा कहना सही है सुमित्रा, बच्चे जितनी भी गलतियां कर लें लेकिन माँ बाप उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। और फिर अब तो जग्या सही राह पर लौटा है। मैं बात करूंगा मासा से। सुमित्रा ने पहले ही मारे मन की बात कह दी है, अब क्या पूछना मारे से। थारो छोरो जगदीश अपने घर वापस आवेगो, हम सबके पास जरूर आवेगो। थारो जी दुख भी बड़ी तरह समझ सकूं मैं सुमित्रा। आनंदी की विदाई की पीड़ा मारे कालजे को भी छड़नी करे, और कम से कम जगदीश का दुख तो ना रह पेगा ना जश्न मनाते वक्त। आज बहुत बड़ो दिन है हमारी लाडली आनंदी के हाथ में मेहंदी लगने वाली। कलुष धुलने पर व्यक्ति में उदारता, त्याग और ईमानदारी की भावनाएं उभरने लगती हैं, जो उसे स्वजनों का खोया हुआ विश्वास और अपनत्व लौटा देती है।